हमने लास्ट क्लास में आप बजट देखा था, और बजट के बाद हमने देखा कितने टाइप बजट पड़ेंगे, जिसमें से एक हमारा फ्लेक्सिबल बजट चल रहा था। फ्लेक्सिबल बजट का हमने फॉर्मेट देखा, तीन पार्ट में होगा, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे हमने किसी भी परसेंटेज का अगर यूनिट दे रखा हो तो हम किसी भी परसेंटेज का यूनिट निकाल सकते हैं, ये भी हमने सीख लिया था कि 45 पे दे रखा है तो 90 पे निकाल पा रहे थे हम। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था आपके बुक का, जो कि बीकॉम में आया हुआ था, और होमवर्क मैंने नहीं दिया था। इसके अगले क्वेश्चन को अब हम करेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं दिया क्योंकि धीरे धीरे टिपिकल होता जाएगा ये कुछ पार्ट्स में, तो फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। इसके बाद आज होमवर्क देंगे आपको। चलिए, कहता है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर अ ईयर। कहता है हमारे पास कुछ फिक्स एक्सपेंस है जो कि हमें दिए जा रहे हैं, यहां तक के सारे खर्चे फिक्स हैं और ये इन लैक्स में है, और कुछ सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है जिसमें 50% ऑफ कैपेसिटी पे सारा डेटा है, और ये सारे के सारे सेमी वेरिएबल है। मतलब सर, इसके अंदर कुछ पार्ट क्या हो सकता है, हमारा फिक्स्ड भी हो सकता है, वो आगे पता चलेगा। वेरिएबल एक्सपेंस है वो भी 50% कैपेसिटी पे है, तो ये रहा हमारा सारा वेरिएबल एक्सपेंस, जो कि किस कैपेसिटी पे, यानी अगर हम देखें ध्यान से तो जो हमें ये डेटा दे रखा है वो 50% कैपेसिटी पे डेटा दे रखा है हमें, और हमसे कौन से कैपेसिटी पे पूछना चाहता है वो देखते हैं। कहता है एज्यूम दैट फिक्स एक्सपेंस रिमेन कॉन्स्टेंट ऑल लेवल। कहता है जो फिक्स एक्सपेंस है ना, वो तो भैया कॉन्स्टेंट रहता है ऑल लेवल पे। अगर ये लाइन नहीं भी लिखता तो हमें पता था कि फिक्स एक्सपेंस हर लेवल पे क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ऑफ प्रोडक्शन सेमी वेरिएबल एक्सपेंस रिमेन कॉन्स्टेंट 45 to 65। कहता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो 45 से 65 तक तो कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन इंक्रीजिंग बाय द 10%, अगर वो 65 से 80% तक जाता है बीच में, तो आपका जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो 10% से बढ़ जाएगा, और 20% से बढ़ जाएगा अगर वो 80 से 100 के बीच में जाता है। यानी सेमी वेरिएबल में कुछ कुछ बदलाव वाली बात बोली गई है। सेल्स लेवल कहता है कि अगर मैं 50% कैपेसिटी पे काम करूं तो 100 लाख का सेल होगा, अगर मैं 75% कैपेसिटी पे काम करूं तो 150 लाख का सेल होगा, अगर मैं 60% कैपेसिटी पे, हर कैपेसिटी के अपने अपने इन्होंने सेल दे दिए हैं। कहता है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट ईयर फोरकास्टिंग प्रॉफिट निकालना है आपको। अब प्रॉफिट पूछ लिया इसने तो सेल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा इजीली। कहता है आपको निकालना है 60% पे, 75% पे, 90% पे, 100% पे, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, और एक हमें एग्जिस्टेंस वाला भी लेके चलना पड़ता है, तो टोटल 5 बजट निकालना पड़ेगा। टोटल 5 बजट करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5। सबसे टॉप पे लिख देते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में सबसे पहले हमारा ये 50% पे है, फिर बोला गया भैया तुम 60 पे भी निकाल के दिखाना, और बोला भैया 60 के साथ साथ तुम 75 पे भी निकाल के दिखाना, और बोला गया तुम अब किस पे निकालना, 90 पे भी निकाल के दिखाओ और तुम 100 पे भी निकाल के दिखाओ, और हर लेवल पे प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, सेल्स माइनस में टीसी। पहले हम टीसी निकाल लेंगे और लास्ट में सेल्स से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो पहला हेडिंग है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में ये रहा हमारा वेरिएबल कॉस्ट, 21,70,000 मटेरियल। इक्कीस लाख
सब 50% कैपेसिटी पे है, लेबर 20 लाख 40 हजार, 20 लाख 40 हजार। लेबर के बाद अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस 7 लाख 90 हजार। और ये है हमारा टोटल कॉस्ट, वो तो बाद में देखेंगे। इसके बाद आ जाएगा सेमी, चलिए सेमी वेरिएबल में क्या है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। एंड रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर 3 लाख 50 हजार। इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर 790। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी ये दे रखा है हमें 380। इसके बाद देखें सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी, एडमिन सैलरी, और ये दे रखा है हमें 280, और ये भी 50% कैपेसिटी पे है। इसके बाद हम ले लेते हैं सर क्या, फिक्स एक्सपेंस, फिक्स कॉस्ट, और जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो दे रखा है वो फिक्स कॉस्ट ही है, वेजेस एंड सैलरी 950 एंड सैलरी 950। पहले जो डेटा दे रखा है मैं उसको लिख लूं, उसके बाद आगे का तो आपसे पूछूंगा ही मैं। इसके बाद दे रखा है रेंट रेट्स, रेंट कितने का है 6 लाख 60 हजार। इसके बाद दे रखा है डेप्रिसिएशन, और सर डेप्रिसिएशन कितने का 740। डेप्रिसिएशन के बाद दे रखा है सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, और ये कितने का है, ये है हमारा 6 लाख। क्वेश्चन कहता है कि ये वाला जो फिक्स एक्सपेंस है ना, ये तो हर लेवल पे क्या है, फिक्स है, तो यहां पे भी यही रहेगा है ना, और ये यहां पे भी यही रहेगा, और ये यहां पे भी यही रहेगा, और ये यहां पे भी यही। पहले ये बात समझ में आई। अब वेरिएबल कॉस्ट हर लेवल पे चेंज होता है, अगर ये 50% पे है तो मुझे बताइए 60% पे कैसे आएगा। मैं एक निकाल के दिखा रहा हूं, यहां पे जगह नहीं है तो मैं यहीं पे करता हूं। सर कैसे निकालेंगे, 21 लाख 70 हजार डिवाइडेड बाय 50 और इनटू में 60 यही रहेगा। तो अब आपको जितने बच्चे हैं, कितने क्वेश्चन अभी पहला मतलब दो ही क्वेश्चन हुए अभी, तो मतलब आज का पहला ही क्वेश्चन है ये तो अभी फटाफट से एक बार 21 लाख 70 हजार का निकाले तो डिवाइड बाय 50 इंटू में 60, ये बनता है 26 लाख 40 हजार। 26 लाख
4000 75 पे 32,55,000। कमेंट में लिखिएगा जरूर, 39 लाख। फोर्टी थ्री लाख 40,000। अब इसको देखो, आसान तरीका भी बता दूं कैसे, अब बार बार थोड़ी ना करते रहोगे आप। तो आप क्या करो, सबसे पहले 21,70,000 दे रखा है, डिवाइड कर दो किससे, 0.5 से। अरे 21,70,000 डिवाइडेड बाय 0.5 आ गया, इनटू में आप अब जो 43 लाख आया ये 100% आ गया आपका, ठीक है। अब आपको कितने परसेंट पे चाहिए, आपको लाइक आपको चाहिए पहले 60 पे चाहिए, तो 60%, ठीक है, 26 लाख। फिर किस पे चाहिए आपको, 75 पे 32,55,000। फिर किस पे चाहिए आपको, 90 पे, इक्वल टू मत दबाना बस। फिर किस पे चाहिए, 100 पे। फिर से एक बार करके दिखा दूं, सबसे पहले क्या करना है आपको, 21,70,000 कैलकुलेटर पे मैं स्टेप भी लिख देता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 21,70,000 50% पे है तो डिवाइड कर दो 0.5 से, 50% मतलब 0.5, 100 से डिवाइड करोगे तो 21,70,000 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। इक्वल टू मत दबाना आप, इक्वल टू बिल्कुल भी नहीं दबाना। अब कितने कितने परसेंट चाहिए, अब आपको चाहिए 60% तो 60 और फिर परसेंट। अब कितने परसेंट चाहिए, 75, 75 और परसेंट आता जाएगा। फिर कितने परसेंट चाहिए, 90, 90 और परसेंट। फिर कितने परसेंट चाहिए, 100, 100 और परसेंट। फिर कितने परसेंट चाहिए, 40, तो 40, जो मन आता है वो परसेंटेज निकाल लो आप। तो इससे बार बार आपको कैलकुलेटर उठा के और बार बार आपको वैल्यू नहीं लेना पड़ेगा। समझ में आया, आ रहा है, इससे बार बार वाला चक्कर खत्म, एक एक बार में फटाफट से एक बार पकड़ा और कर लिया। ऐसे मैं इसका निकाल रहा हूं, 2 चाल का 20,04,000, 20,04,000 है ना, 20,40,000। अब इसको किससे डिवाइड करूंगा, 0.5 से, बस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब कितने परसेंट पे चाहिए, 60, 60% यानी 24 लाख। ये काम आसान बता रहा हूं मैं आपके लिए। इसके बाद 75% 3,60,000। इसके बाद 90%। सभी बच्चे देखें अपने कैलकुलेटर पे, जो बच्चा कैलकुलेटर नहीं है मोबाइल के भरोसे है तो मान के चलो ये चैप्टर तो बर्बाद ही होने वाला है उसका। कैलकुलेटर होना जरूरी है, और वो भी नॉर्मल कैलकुलेटर, ऐसा नहीं साइंटिफिक बहुत आप भारी भरकम कैलकुलेटर भी ले लो तो वो भी नुकसान ही है। 40-80 ठीक है सर। 21,70,000 कैसे आया है? ये देखो ना, आपको दे रखा है 2.17 और लैक्स में है, तो इसलिए मैंने इसके आगे 5 जीरो लगा दिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलो अब ऐसे ही अदर एक्सपेंस का 790 डिवाइड 0.5 इंटू 60, 948 75, 11,85, 90, 14, 22 और 100% 15,80,000, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट में है पंगा, वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल में, सेमी वेरिएबल में कहता है कि भैया आपके 45 से 65 तक, यानी यहां पे जो था 60 तक, यानी 65% तक तो आपका लेवल में कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब सर यहां वाले लेवल में इसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ, तो मुझे बताइए फटाफट कमेंट में, उसने कहा कि 45 से लेके 65% तक जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो उतना ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप मुझे फटाफट से कमेंट में बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि जो यहां पे होगा वो कितना आएगा क्या, और
65 से 80 के बीच में चेंजेस मारा है, तो ये तो 65 है नहीं, ये तो कितना है हमारा 60 है, तो यहां पे बोला कोई चेंज नहीं है। तो बताओ ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट 3.5 लाख रुपए मेंटेनेंस एंड रिपेयर है, क्या इसके अंदर कोई बदलाव होगा या कांस्टेंट रहेगा या यूनिट के हिसाब से बदलेंगे, क्या करेंगे मुझे बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा ये। सर सेमी वेरिएबल आइटम की पहचान बता दो। सेमी वेरिएबल आइटम की कोई पहचान नहीं है, आप देखो यहां पे भी लेबर है और यहां पे भी लेबर है, तो वो आपको अलग से हेडिंग में देगा ही देगा, एग्जामिनर अलग से हेडिंग में देगा ही देगा। सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और भी भाई जितने बच्चे हैं सभी बताएं फटाफट। कांस्टेंट, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कांस्टेंट, तो चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं, आपने कहा कि सर कांस्टेंट रखो, तो ये मैं पूरी की पूरी डिजिट थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या करा, ये पूरे के पूरे डिजिट कांस्टेंट कर दिया। पूरा आया नहीं आया भाई, आ तो गया था यार। ये पूरा लिया, अभी रुकिए सुनते हैं आपकी, ये लीजिए कांस्टेंट कर दिया। सर इन मैनी क्वेश्चंस नॉट गिवन, नहीं गिवन उसका बताएंगे ना धीरे धीरे, एक बार में कैसे। हाँ जी समर्थ बताइए, किसी का कोई डाउट बच्चा पूछ रहा है तो पूछ लीजिए, क्योंकि जो पहली दूसरी तीसरी क्लास होती है ना मैं बहुत स्लो लेके चलता हूँ, आपका जितने डाउट है पूछ सकते हैं। समर्थ आपको कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए वॉइस में, या किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं डाउट, वीडियो क्लियर नहीं है, देखना एक बार वीडियो क्लियर नहीं आ रही आपके पास तो है नहीं है, तो आप दूसरे क्लोन करके कर सकते हो ना उसको, देखो कितने बच्चों को वीडियो क्लियर नहीं आ रही बताइए। यस खुशी बताइए, बताइए खुशी। सर ये कांस्टेंट क्यों है? कांस्टेंट सवाल में कह रहा है ना, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शायद आपको स्मॉल दिख रहा हो, मैं लाइन को अंडरलाइन करता हूँ। कहता है फिक्स एक्सपेंस कांस्टेंट था, यहां तक बोला हुआ है, और कहता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 45 to 65%, ये बोला हुआ है लाइन। ओके सर ठीक है, और देख लें किसी का कोई डाउट आ रहा है। सर सेमी वेरिएबल में बहुत डाउट है, लेबर और सैलरी। अभी प्रदीप अगर आपने आगे के क्वेश्चंस करे हैं तो आपको मे भी हो सकता है डाउट हो, आप अभी पुरान जितना मैंने कराया है उसमें बताइए डाउट, क्योंकि मैं बताऊंगा बहुत सारे ट्रिक्स तरीके हैं जिसमें पहचानने का तरीका होता है, तो अभी आप आगे का क्वेश्चन बिल्कुल मत करिएगा, अभी मेरे साथ साथ चलिए 2 से 3 क्लास, उसके बाद जब मैं सारे टॉपिक्स बोलूं कि भैया मैंने बता दिए सारे चीजें उसके, फिर कर लीजिएगा आप। अभी जो मेरे सामने है उसमें डाउट है पूछ लीजिए, अगर पिछले वाले क्वेश्चन में भी डाउट है तो उसमें भी पूछ लीजिए आप। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखा जाए, हम टू बी कंटिन्यू अब आगे चलेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि भैया 10% बढ़ जाएंगे ये अगर इन केस आप 65 से 80 बीच में आओगे, तो 65 से 80 में तो 75 आ गया, तो 10% बढ़ जाएगा, तो अब 10% कैसे बढ़ाते हो, 3.5 लाख का सीधा 10% परसेंटेज और इक्वल टू, अब इसको सीधा बढ़ाने का तरीका क्या है, 3.5 लाख, ठीक है, आप यहां पे प्लस करना है, प्लस 10 और परसेंट सीधा जुड़कर ही आ जाएगा, प्लस करना है वहां पे 385। अभी हैंड रेस का लेते हैं आंसर, 790 प्लस 10% 380 प्लस 10% 418 280 प्लस 10% 3,08,000 ये आ गया।
हाँ जी बताइए खुशी। सर ये समझ नहीं आया कैसे करा है सर आपने ये। इस पे 10% ऐड कर दिया, 3,50,000 में 10% ऐड करोगे, 35,000 जब ऐड करोगे 3,50,000 में, तो 3,85 आएगा। ठीक है सर, ये मतलब क्यों करा है 10% ऐड। क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपकी कैपेसिटी 10% से इंक्रीज हो, 10% से इंक्रीज हो जाएगा कॉस्ट अगर आप 65 से 80% के बीच के लेवल का सेल करते हो, तो अब ये 75% पे, 65 और 80 के बीच में ही आ रहा है, तो इसलिए 10% इंक्रीमेंट हुआ। अब ये कहता है 20% बढ़ जाएगा अगर 80 से 100 के बीच में करोगे, तो 90% तो 80 से 100 के बीच में आए, तो यहां मैं 20% इंक्रीमेंट लूंगा। जी सर, ठीक है, ओके सर। ओके, क्लियर नहीं है सर, क्लियर नहीं है। ये शायद इमेज ना काफी छोटी हो गई है, इसको कोशिश करते हैं बड़ी कर दें, और ऊपर वाला काम खत्म ही हो गया है, तो नीचे वाले पॉइंट्स को बड़ी कर देते हैं अब। ठीक है, अब दिख जाए शायद। अब क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं तो थोड़ा सा करना पड़ जाता है। चलिए अब यहां पे देखो मैं कितने परसेंट बढ़ाने वाला हूं, 20% प्लस 20%, 4, 20, 790 प्लस 20%, 948, 380 प्लस 20%, 456,000, 280 प्लस 20%, 336। लो जी ये आ गया। ठीक है, अब 100% पे भी सेम ही रहने वाला है, क्योंकि बोलता है यहां तक 20% इंक्रीमेंट लगेगा, तो इसलिए ये यहां पे भी सेम रहने वाला है, इसलिए सेम रख दिया मैंने। पूरा का पूरा ये जो हमारा कंपोनेंट था, ये पूरा का पूरा कर दिया। इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं टोटल की तरफ चल रहा हूं, और टोटल के बाद, टोटल कॉस्ट निकाल के बाद सेल्स माइनस करके मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा। फिर मैं टोटल की तरफ चल रहा हूं, यहाँ पे टोटल की तरफ चल रहे हैं अभी, रुकिए। यहां तक जितना मैंने कर लिया, इसमें कोई डाउट? फिर से डाउट? हाँ जी बोलिए। सर ये फिक्स कॉस्ट कैसे कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट दे रखा है क्वेश्चन में हमारे, कहां पर सर एक बार बताना अभी दिखाते हैं आपको, रुकिए। हाँ सर। अब क्वेश्चन क्लियर है, पहले नहीं था। तो वही मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, इसलिए ये रहा लिखा हुआ आपका फिक्स कॉस्ट, फिक्स एक्सपेंस, और ये सारे के सारे खर्चे फिक्स हैं। आप सभी के पास अगर बुक नहीं है तो मैं कह रहा हूं, मैंने पूछा भी, बुक का लिंक, मैं वही बुक होता ना, तो फिर आप अपने सामने बुक रखते और क्वेश्चन रखते तो दिक्कत ही नहीं होती फिर। ये रहा हमारे सारे के सारे, ये फिक्स एक्सपेंस दे रखे हैं, और ये सारे के सारे जो दे रखे हैं सेमी, और ये दे रखे हैं तीनों के तीनों वेरिएबल। ये मैं लिख देता हूं, वेरिएबल है ये, सेमी है, और ये एफसी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ओके सर, ठीक है, चलिए अब टोटलिंग के प्रोसेस पे चलते हैं, फटाफट से टोटलिंग कर लेते हैं। ये टोटल आ जाएगा, इसका टोटल इधर ले लेंगे, इसका टोटल इधर ले लेंगे। चलिए टोटल करिए आप, अब टोटल प्री इफेक्ट आया, क्या गया? पर इफेक्ट गया, बस सेमी वेरिएबल। चलिए कर लें टोटल, 21,70,000, 20,40,000, 7,90,000, ये 50 लाख हो गया पूरे। जगह नहीं होगा तो मैं ऐसे लिख लूंगा, एग्जाम में ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि सारा डिजिट ऐसे है, यहाँ 50L कर दें। 26,4,000,
चौबीस अड़तालीस हजार 948, ये पूरे 60 लाख, क्या बात है। तो इसके हिसाब से मैं टोटल तो कर ही सकता हूँ, डिवाइड 0.5 इंटू 60, पचास लाख डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 60 इंटू 75, तो ये 75 लाख आ जाएगा, ये 90 लाख आ जाएगा, और ये 100 लाख आ जाएगा। ये मैंने कर लिया डिवाइड, ठीक है। अब भैया थोड़ा सा फिक्स वाला मैं निकाल लेता हूँ, आप सेमी वेरिएबल आप निकालिए, थोड़ा सा वो मुश्किल है, फिक्स वाला मैं कर देता हूँ। ये आ गया 30 लाख, तो ये भी होगा 30 लाख, 30 लाख, चलिए 3 50 790, 380, 280, ये आ गया 18 लाख, ये भी क्या होगा 18 लाख, इस पे 10% इंक्रीमेंट लगा देते हैं, ये हो जाएगा 19 लाख 80 हजार। चेक करिएगा, मैं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, प्लस 20%, ये आ जाएगा 21 लाख 60 हजार, और ये भी 21 60। आप भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है सर। 80 120% एक बार रिपीट कर दो। क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपका काम 80 से 100% के बीच में, अगर परसेंटेज लेवल कैपेसिटी लेवल पे काम करोगे, तो आपका जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो 20% बढ़ जाएगा। तो 80 से 100, तो 90 80 100 के बीच में है, तो 20% इंक्रीमेंट लगाया, और 100 पे भी मैंने 20% इंक्रीमेंट लगाया। वेरिएबल पे नहीं बोला, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सेमी वेरिएबल पे है। अरे क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि भैया ये सेमी वेरिएबल पे एप्लीकेबल करो। रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए यहां पे लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, अरे टोटल कॉस्ट, चलिए निकालिए टोटल कॉस्ट में, तो यह आ जाएगा 50 और 30, 80, 80 और 18, 98, और ये भी हो जाएगा हमारा, नहीं ये तो बढ़ जाएगा, 60 और 30, 90, यानी 108 लाख, ये हो जाएगा 75 और 30, 1 5 और 19, 75 प्लस 30 और प्लस में 19, अरे ये क्या हुआ, ये रीस्टार्ट क्यों हो गया, 2 मिनट रुकिए, हम इस पे थे, रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम, क्लियर, ये हो गया। फिर ये यहाँ से क्यों हुआ, ये तो वहीं से होना चाहिए, कहीं मिट तो नहीं गया, नहीं, चलो बच्चों ने बता भी दिया था इसका कितना था, 120.8, और इसका अगले का बताइए, वन 1.6, और उससे अगला 31। अब ये टोटल कॉस्ट हो गया, अब हम सेल्स ले लें, सेल्स 50% पे है 100,
और हमें अब 60% पे 120, और हमें चाहिए अब 75% पे है 150, और 90% पे 180, ये 41 है। और लास्ट में हमारा 200। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर हम कॉस्ट में से सेल्स माइनस कर दें, हालांकि मैं इसको नाम दे देता हूं ए और इसको नाम बी कर देता हूं, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा बी माइनस में ए। तो यहां पे 2 लाख, यहां पे 12 लाख, यहां पे कितने बने? 25.2 लाख, यहां पे कितने बने? 39.4 लाख, यहां पे कितने बन गए? 48.4 लाख, 48.4 लाख। हाँ, 38.4। चलिए आप एक बार देख लीजिए तसल्ली से, अगर आपको डाउट है तो पूछिए इसमें। नहीं डाउट तो हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें। इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, करना आपको होमवर्क में दूंगा मैं। यार एग्जाम्पल डाले नहीं उसने सारे, नहीं तो मैं एग्जाम्पल भी कराता। चलो देखो, मटेरियल ये वेरिएबल है, लेबर वेरिएबल है, वेरिएबल तो वेरिएबल है, फिक्स फिक्स हो गया आपका, वेरिएबल एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। अब कहाँ कहता है ना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% फिक्स, तो मतलब यहाँ 80% क्या होगा? वेरिएबल। और ये भी आपका पर यूनिट रेट है। एडमिन कहता है आपका ये 50,000 तक रहेगा एडमिन एक्सपेंस, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है प्रिपेयर बजट 80,000, 8,000 यूनिट पे और 6,000 यूनिट पे, अज्यूम दैट एडमिन एक्सपेंस रिजिड ऑल लेवल, मतलब कि हर लेवल पे यही रहेगा एडमिन एक्सपेंस का। तो सिर्फ सेमी वेरिएबल में एक ही पार्ट आया और बाकी के सारे वेरिएबल है, और जो फिक्स बोला हुआ है वो फिक्स है। आपको ये जो डिटेल दे रखी है जानकारी, आपकी कैपेसिटी बजट बनाने के, एक्सपेंस प्रोडक्शन कितना है 1,000 यूनिट का, 10,000 यूनिट का है, और आपको बनाना है 8,000 और 6,000। तो अब जो कॉस्ट निकालोगे ना, तो वो 8,000 × 70, 6,000 × 70, ऐसे कर करके आपको निकालना पड़ेगा हर लेवल पे जाके। तो ये क्वेश्चन मैं फिलहाल के लिए आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, जिसको आप ट्राई करेंगे। जो मैं होमवर्क दूं अभी वही करिएगा, क्योंकि इसमें सेमी वेरिएबल। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन से ये मुझे खुद करना पड़ेगा, पहले समझाना पड़ेगा तब कर पाओगे। इसके बाद ये सब क्वेश्चन है, इसके अंदर कौन सा पार्ट सेमी वेरिएबल आप ढूंढ ही नहीं पाओगे इसमें, इसमें सेमी वेरिएबल है। तो ये मुझे सिखाना पड़ेगा कि इस तरीके से ढूंढा जाता है, तो ये भी नहीं कर सकते अभी आप। तो 2-3 क्लास तो पहले मुझे सिखाना पड़ेगा, उसके बाद जो हो सकते हैं वो मैंने कह दिया कि ये करना चाहो तो हो जाएंगे, नहीं तो मैं कर दूंगा। क्लियर है? तो ये वाला हम करने वाले हैं अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे पता चले, उसको ढूंढने वाला पॉइंट। हालांकि आप चाहो थोड़ा सा आप मतलब कि इसके अंदर सोच समझ के देखो, हेल्प लेके ये भी कर सकते हो होमवर्क में। ये सारे परसेंटेज जो दे रखे हैं ना, वो सेल्स के दे रखे हैं, और सेल्स आपको कहाँ दे रखा है, कहाँ दे रखा है? सेल 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 सेल्स, ये ऑफिशियल सैलरी है, तो ये रहा सेल, इसके ऊपर सारे परसेंटेज निकले हुए हैं, ठीक है। बताइए कर लेंगे? आपको ये तो करना ही चाहिए, घर पे जाके ये डल जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने कर लिया सेकंड। अभी फ्लेक्सिबल बजट में 2 से 3 दिन और लगेगा, और फ्लेक्सिबल बजट 2 से 3 दिन बाद सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे प्रोडक्शन बजट पे, और फिर आएंगे हम परचेज बजट पे, और फिर आएंगे हम कैश बजट पे। जब हम कैश बजट पे पहुंचेंगे तो हमारी सारी चीजें, बजट का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। बजट के बाद हमारा सब, देखो अगर देखा जाए ना, आपके 3 सबसे बड़े बड़े चैप्टर चैप्टर हैं। नंबर 1 पीवीआर वाला जो हो गया, नंबर 2 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, नंबर 1 2 किसी को भी दे दो, नंबर 3 बजटरी। उसके बाद फिर आपका है, मान के चलो छोटे छोटे चैप्टर, चाहे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन हो, चाहे आपका डिसीजन मेकिंग हो, बहुत कम सवाल है। रेलिवेंट कॉस्ट तो आपका आधे घंटे का ही चैप्टर है पूरा वो। तो मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर,
और आप पूरा रिवाइज करके आए अच्छे से, और जितना बताया अभी सिर्फ उस पर फोकस करें, हमारे पास जितना टाइम अवेलेबल है हम उसके हिसाब से सफिशेंट चलेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करें अभी तो बेटर रहेगा। हाँ, जिनके इंटरनल है सारी वीडियो प्री रिकॉर्डेड मैंने डाल दिया है फोल्डर में, उसको सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं जिस चैप्टर का इंटरनल है कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, और अगली क्लास में हम आगे करेंगे बजटरी कंट्रोल का, फ्लेक्सिबल बजट का पार्ट।